हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय पर इस शहर में 1000 से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। एक ऐसा शहर जहां अशोक और मौर्य अम्पायर के बीच कलिंग वॉर हुआ। ये शहर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास है, और इस शहर की संस्कृति, वास्तुकला, परंपरा और इतिहास इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भुवनेश्वर की एक शानदार सफर पर। भुवनेश्वर की स्थापना 13 अप्रैल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वर्तमान समय में भुवनेश्वर की टोटल पॉपुलेशन 12,26,000 के आसपास है। यहां बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा उड़िया है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा का प्रयोग भी भुवनेश्वर में किया जाता है। भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। शहर के करीब 95% आबादी हिंदुओं की है, तो वहीं 3% इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं। इसके अलावा ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोग भी भुवनेश्वर में रहते हैं। कोणार्क, पुरी और भुवनेश्वर को एक साथ स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। भुवनेश्वर भारत के 100 स्मार्ट सिटीज का भी हिस्सा है। भुवनेश्वर का इतिहास 3000 साल पुराना माना जाता है, और इस दौरान इस शहर का नाम कई बार बदला जा चुका है। तोशाली कलिंग नगरी, नगर कलिंग, चक्र क्षेत्र और मंदिरा मालिनी नगरी जैसे अनेक नामों से इस शहर को पहचाना जाता था। भुवनेश्वर नाम त्रिभुवनेश्वर नाम से रखा गया है, जिसका मतलब होता है तीनों लोक के स्वामी। आज भुवनेश्वर को द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टार्टअप हब ऑफ ईस्ट इंडिया और एकम्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई राजवंशों ने भुवनेश्वर पर राज किया है। आप लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। 262 ईसा पूर्व में अशोक और मौर्य के इसी स्थान पर वो युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि हजारों लाशों का अंबार देखकर सम्राट अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। इसके बाद भुवनेश्वर पर सोमवंश, केसरी वंश, महामेघवाहन वंश, सातवाहन वंश जैसे कई राजवंशों ने राज किया। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद सन 1803 में इस जगह पर ब्रिटिशर्स राज करने लगे और भुवनेश्वर को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। सन 1912 तक भुवनेश्वर बंगाल का ही एक हिस्सा बना रहा। बाद में इसे बंगाल से अलग कर दिया जाता है, तब जाकर भुवनेश्वर उड़ीसा का पार्ट बनता है। सन 1946 सितंबर महीने में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसमें उड़ीसा की राजधानी कटक से भुवनेश्वर शिफ्ट करने की बात पर मुहर लगा दी जाती है। 19 अगस्त 1949 को ऑफिशियल तौर पर भुवनेश्वर को उड़ीसा राज्य की राजधानी का दर्जा दे दिया गया। कटक और भुवनेश्वर को आज भी ट्विन सिटीज कहा जाता है। भुवनेश्वर में आज कई शॉपिंग मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कराया गया है। दरअसल भुवनेश्वर की गिनती भारत की चुनिंदा प्लांट सिटीज में की जाती है। इसका डिजाइन जर्मनी के आर्किटेक्चर ओटो कोएनिग्सबर्गर ने किया। यहाँ चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी और कई ऐतिहासिक मंदिर और पार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर ने पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से तरक्की की है। यहाँ पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग का निर्माण जारी है, जो तैयार होने के बाद इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। वहीं ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी भुवनेश्वर में ही स्थित है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी भुवनेश्वर एक बेस्ट जगह है। साल 2021 के सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के सर्वे में भुवनेश्वर को चौथा रहने लायक शहरों का दर्जा दिया गया था। भुवनेश्वर की जीडीपी भी तेजी से ग्रो कर रही है, साथ ही पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भुवनेश्वर की पर कैपिटा इनकम 1,30,000 रुपए के आसपास है। यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज अपने पैर पसार रही है, जिनमें कागज, स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आदि बनाने वाली यूनिट्स शामिल है। कई कंपनियों की मुख्य शाखाएं भी हैं भुवनेश्वर में, जिनमें उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, भारत बायोटेक, टोपास सोलर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज शामिल है। एजुकेशन के क्षेत्र में भुवनेश्वर शहर बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता नजर आ रहा है। आज यहाँ कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज। भुवनेश्वर का लिटरेसी रेट 92% है, जो भारत की लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। IIT भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भुवनेश्वर के प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भुवनेश्वर हमेशा ही आगे रहता है। हॉकी, फुटबॉल, खो खो और क्रिकेट जैसे खेल यहाँ काफी लोकप्रिय है। भुवनेश्वर में साल 2017 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया था। इस शहर में कई स्टेडियम्स बने हुए हैं और साथ ही भुवनेश्वर में गोल्फ कोर्स भी बना हुआ है। वैसे तो ये शहर एक बेहद ही शांत और खूबसूरत नजर आता है, लेकिन समय समय
समय पर प्राकृतिक आपदाओं से इस शहर को भारी नुकसान भी होता रहा है। साइक्लोन्स, भूकंप और फ्लड्स जैसी आपदाएं समय समय पर इस शहर में दस्तक देती रहती है। हालांकि इसके बावजूद भुवनेश्वर की गिनती भारत के सबसे खुशहाल शहरों में की जाती है। भुवनेश्वर शहर अपने डांस फॉर्म, हैंडीक्राफ्ट और सैंड आर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। ओडिसी न सिर्फ भुवनेश्वर का बल्कि पूरे ओडिशा का लोकप्रिय और पारंपरिक नृत्य है। इसके अलावा यहाँ की 21 साड़ियाँ भारत में बहुत पॉपुलर है। ये साड़ियाँ हाथों की कारीगरी यानी कि हैंडलूम से बनाई जाती है। दोस्तों, भुवनेश्वर को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साल भर कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कई बड़े इवेंट्स और मेलों का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी सबसे ज्यादा धूमधाम से किया जाता है। इसके अलावा कलिंग महोत्सव, धोली कलिंग महोत्सव, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, छठ, खंडगिरी उत्सव, आदिवासी मेला, ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और होली जैसे त्योहार भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, भुवनेश्वर शहर अपने खान पान के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। इस शहर के लोगों के बीच में भी मछली खाने का बड़ा शौक है। कोलकाता की तरह यहाँ पर भी मछली लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना है। मच्छी घंटा एक प्रसिद्ध उड़िया डिश है जो मछली से ही तैयार की जाती है। क्रैब कालिया को बड़े चाव से खाया जाता है। छेना, जलेबी और रसगुल्ला का स्वाद भी आपको भुवनेश्वर में जरूर लेना चाहिए। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो भुवनेश्वर शहर आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ चांदी बाजार में आपको चांदी की कारीगरी के कई बेहतरीन नमूने देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब भुवनेश्वर की उन जगहों के बारे में बात करते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। भुवनेश्वर पर्यटन के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर साल 25 लाख से ज्यादा सैलानी इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। ओडिया वास्तुकला की अद्भुत कारीगरी यहां देखने को मिलती है। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां हरिहर रूप में उनकी पूजा की जाती है। भुवनेश्वर आने वाले यात्री सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। परशुरामेश्वर मंदिर भी भुवनेश्वर का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 650 ईस्वी में शैलोद्भव राजवंश द्वारा कराया गया था। 1000 शिवलिंग इस मंदिर के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भगवान शिव के अलावा गणेश जी और देवी पार्वती की पूजा भी यहां की जाती है। धौली शांति स्तूप बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां आकर आपको शांति का अनुभव होगा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन समुदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। उदयगिरी में करीब 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं बनी हुई है, जिन्हें छेदी वंश के राजा खारवेल ने बनवाया था। ये गुफाएं करीब 2200 साल पुरानी है। कहा जाता है जैन साधु यहां आकर ध्यान लगाया करते थे। मुक्तेश्वर टेम्पल भी भुवनेश्वर का एक दार्शनिक स्थल है। राजा रानी मंदिर को प्रेम का मंदिर माना जाता है। इन मंदिरों के बाहर खजुराहो के मंदिरों की तरह कलाकृतियां बनी हुई है। अनंत वासुदेव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इनके अलावा केदार गौरी मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर भुवनेश्वर की शान माने जाते हैं। भुवनेश्वर का नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भी देखने लायक जगह है। यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाघ, चीते, हिरण और अन्य कई प्रकार के जानवर इस चिड़ियाघर में आप देख सकते हैं। लायन सफारी का आनंद भी इस चिड़ियाघर में आप ले सकते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। बीजू पटनायक पार्क इस पूरे शहर का सबसे प्रमुख पार्क कहा जा सकता है। यहाँ आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कंजिया झील भी एक बेहद शांत और सुंदर जगह है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। एकम्र कानन बॉटनिकल गार्डन भी आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको भुवनेश्वर और उड़ीसा के इतिहास के बारे में जानना है तो उड़ीसा स्टेट म्यूजियम जा सकते हैं। यहाँ आपको ढेर सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। स्टेट ट्राइबल म्यूजियम में आपको उड़ीसा के आदिवासी इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पर्यावरण और प्रकृति संबंधित चीजें प्रदर्शित की गई है। अगर बच्चे आपके साथ है तो रीजनल साइंस सेंटर भी आप घूमने जा सकते हैं। भुवनेश्वर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच माना जाता है। मार्च के बाद यहाँ गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और मई जून के महीने में तो उमस भरी गर्मी यहाँ पड़ती है। भुवनेश्वर रेल, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए वेल कनेक्टेड है। यहाँ का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ भुवनेश्वर का बल्कि पूरे उड़ीसा का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा है। भारत के लगभग सभी शहरों से यहाँ की सीधी फ्लाइट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रेल मार्ग के जरिए भी आप भुवनेश्वर तक पहुँच सकते हैं। देश के कोने कोने से हर साल लाखों सैलानी भुवनेश्वर की सैर के लिए आते हैं। इस शहर में घूमने के लिए 3 से 4 दिन का समय काफी है। भुवनेश्वर के साथ आप अपने ट्रिप में पुरी और कोणार्क को भी शामिल कर सकते हैं। वहीं जगन्नाथ का पुरी मंदिर भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अब बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उड़ीसा की सैर पर।
भुवनेश्वर में आपको किफायती दामों पर धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। भुवनेश्वर में 3 दिन घूमने के लिए 10,000 रूपए काफी है, और अगर आप 4 से 5 लोगों के ग्रुप में जाएंगे तो 5 से 6,000 रूपए प्रति व्यक्ति के खर्च में आराम से ये शहर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे ऐतिहासिक लेकिन मॉडर्न शहर भुवनेश्वर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है भुवनेश्वर या फिर उड़ीसा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे अगर नहीं है तो क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।